आज हम बनाएंगे मसाला बैंगन फ्राई। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। एक बॉल में हम लेंगे मैदा, बेसन, कॉर्नफ्लोर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के मुताबिक। मसाले को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे एक स्पून की मदद से। अब हम इसमें ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल, अदरक लहसुन की पेस्ट। पेस्ट को भी बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। इसका हमें एक बैटर बनाना है, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी को एक बार में ऐड नहीं करना है, एक बार में ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा पतला हो सकते हैं, तो फिर हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। हमें बैटर ज़्यादा भी पतला नहीं चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं चाहिए। पानी को बहुत अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं बैटर को ज्यादा मैंने मोटा भी नहीं बनाया और ज्यादा पतला भी नहीं बनाया। अब हम इसमें डालेंगे बैंगन। बैंगन को मैंने रिंग साइज में कट लिया है। अब देख सकते हैं ज्यादा मोटा भी नहीं, ज्यादा पतला भी नहीं। अब बैंगन को बैटर के साथ मैरिनेट कर लेंगे। देख सकते हैं बैंगन को मैंने मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिला लिया है। अब इस मैरिनेशन को 15 मिनट के लिए हम रख लेंगे। 15 मिनट के बाद हम एक कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद हम मैरिनेट किया हुआ बैंगन को कढ़ाई में दे देंगे। बैंगन मैरिनेटेड है तो इसको हमें ज्यादा देर तक पकाना नहीं पड़ेगा। एक मिनट के बाद हम बैंगन को पलट देंगे। देखिए एक मिनट में हमारा बैंगन फ्राई हो गया है। अब इसकी दूसरी साइड हम फ्राई करेंगे। इस साइड भी हम एक मिनट तक पकाएंगे। देखिए हमारा जो बैंगन है ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब एक प्लेट में हम इसको उठा लेंगे। अब एक एक करके जितना सारा बैंगन है हम फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा मसाला बैंगन फ्राई बनके बिल्कुल तैयार है।